फिल्म के सेशन है तो ये रोटी वोटी खा के आते हैं, खिलाते हो? खिला रही है तो लंच तो है को यार, तो चूहा कूद रहे हो जवान छोरे हैं सारे। हाँ इनके सकल सबकी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। वो तो मेरे फॉर्म बस खाना चलाओ, उसके बाद कुछ बात आ रही है। नशा जब करेंगे पेट पकड़ चुप होगा। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीन दिवसीय एक कार्यशाला, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य डॉक्टर साहब ने बताया कि गांव के आखिरी छोर तक भी सरकार की पॉलिसीज को युवाओं में एक उस बात की जागृति, उस बात की जानकारी का जो संचार है वो किया जाए। और चूंकि ये मंत्रालय युवा और खेलकूद मंत्रालय के अधीन ही आता है, नेहरू युवा केंद्र नाम है, तो इसमें ज़्यादा भूमिका युवाओं की हो जाती है। कोई बुजुर्ग हम जैसा तो बात करने तो आ सकता है, लेकिन पार्टिसिपेशन और एक्टिविटीज़ आप ही की रहने वाली है, युवाओं की रहने वाली है। आप ही में से इसमें NYC बनते हैं, वॉलेंटियर बनते हैं, उनकी आगे भी तरक्की होती है। दिनेश इसमें लगे थे पहले से, अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, भारत सरकार का उपक्रम है। और गांव देहात में हम कैसे लोगों को जागरूक करें, कैसे पॉलिसीज को बताएं, कैसे ऐसे ऐसे मंचन के माध्यम से, जैसे बहादुर सिंह जी आगे एक शिक्षाविद हैं और नशा मुक्ति इन्होंने कहीं महसूस किया होगा कि हमारी युवा पीढ़ी अगर उस गलत ट्रैक पे चली जाती है, ये गुटखा वगैरह का बड़ा खतरनाक मामला सा है। मैं भी देखता रहता हूँ कि हर दूसरा आदमी कुछ ना कुछ मुँह में दवाई घूमता रहता है। और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ बाबा मन करे जहाँ भर जाए वहीं छूट दे, ये ना देखे कि जगह कहाँ है और क्या है। तो ये जो चीज़ है, कहीं ना कहीं हम इसको अपने आप से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात को नशा कोई भी हो, आदमी का खुद का बनाया है एक प्रोडक्ट है, ये प्राकृतिक प्रावधान नहीं है। ये प्रकृति ने कोई ऐसी चीज़ नहीं, जैसे प्रकृति में कई कुछ हिस्से में सब्जियाँ हैं, रोटी है, अनाज है, हर सब्जी है उसका अलग टेस्ट है, उसका अलग फ़ायदा है, वो प्रकृति की तरफ से मिलती है हमें। ये हमने इसी में से, इन चीज़ों में से कहीं ना कहीं निचोड़ के निकाल लिया है। पता नहीं किसने खोज करी हो, कोई पेड़ होता है अफीम का, कोई गांजे का पेड़ होता है, कोई भांग का पेड़ होता है, अरे वो पेड़ होता है उसमें से कर करा के गोला बना दिया, वो अफीम छोटी सी बना दी, मैल निकाल के बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर दिया लोग। तो आदमी ने खुद ही अपने विनाश का सामान तैयार किया, लेकिन ये सामान मार्केट में बिकता जब है जब उसके ग्राहक होते हैं। तो नौजवान पीढ़ी अगर ठान ले कि हमें इस रास्ते पे नहीं जाना है, तो ये बाकी पे प्रोडक्शन बंद हो सकती है। सरकार बैन लगाएगी तो बहुत फायदा नहीं होगा, ये तो हमें बैन लगाना पड़ेगा अपने पर। गुजरात जब से देश आजाद हुआ है, गांधी जी का राज्य है और वहां नशाबंदी पूर्ण नशाबंदी है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई से पूछ के देख लो, जितने ब्रांड गुजरात में मिलते हैं और जितना गुजरात में होता है पूरे देश में कहीं नहीं होता। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ नशाबंदी करने से, क्योंकि पीने वाले पी रहे, गुजरात के सभी लोग लगभग इसका सेवन करते हैं। नंबर दो की होम डिलीवरी है, ब्रांड मिल जाते हैं, आप ऑर्डर बुक कराओ, जैसे घर पे अमेजोन देती है ना आजकल, वैसे मिल जाती है, पहले से मिल रही है, पहले घंटी वाले फोन पे आती थी, अब उस पे आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जागरूक होना, ये नशाबंदी की उसकी बात और हमारे लिए अच्छी है। ये जीवन बड़ी अमूल्य चीज़ है, प्रकृति का सबसे अमूल्य अगर तोहफा कोई कुदरत का है तो वो मानवीय शरीर है, मानवीय जीवन है। हमें सब कुछ दिया है, हम इसे एंजॉय कर सकते हैं, हम इसे भोगते हैं, हम इसे हर तरह से भोग सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जैसे ये आइकॉन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है। हम ही में से सब कुछ हो सकते हैं, कोई जानवर नहीं हो सकता। प्रकृति की उत्पत्ति में मानव ही सबसे सुंदर रचना है, जो अपने अच्छे कर्मों से अपना नाम कर सकती है। बुरे कर्मों से भी नाम होता है, कभी कभी डाकू मोहर सिंह का पता नहीं कौन कौन नाम भी होता है, अच्छा उनसे भी डरते हैं लोग, नाम उनका भी जिक्र आता है, लेकिन वो नेगेटिव लोगों का लाइफ नहीं होती है। सच्चाई की लाइफ अमर होती है, ये अमर लोग हैं। नेगेटिव आदमी का जिक्र तो आएगा, लेकिन गलत तरीके से आएगा, थोड़ा सा आएगा। तो आज जो बहादुर सिंह जी ने, पाद साहब ने जो आपको बताया,
इसके बारे में और जानकारी भी है, उन्होंने एक पाचन शक्ति का ही बताया था। ये कुछ बता रहे थे कि किशमिश ले लो आप 25 रुपया की बजाय पौवा भी नहीं, बजाय गुटखा खा के 10 रुपया खराब करवाएंगे। इन सब में पैसा भी खराब होता है, और उस आदत पे होने के बाद में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी दिन हमारा रोजगार नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो दाल रोटी तो घर में मिल जाएगी, लेकिन ये गुटखा कहाँ से मिलेगा? इसके लिए फिर क्राइम करना पड़ता है। कुछ नहीं होगा तो आप बेशर्म हो जाते, मांग के पी लेते, बीड़ी मांग वाला बड़ा अपने आपको बढ़िया समझता है, वो तो बीड़िया का नहीं होगा, और दे वालों दे दिया और मांग और ले ले, शर्म नहीं आती, जबकि मांगने में हर एक को शर्म आती है। मैं गलत तो नहीं कर रहा, आप देखो ना सिगरेट वाले, बीड़ी वाले, स्मोक वाले आराम से अपनी शेयर कर लेते हैं उस लत को, और कोई बुरा नहीं मानता। आज रामलाल ने मांग ली श्यामलाल दे, कल श्यामलाल मांग लो रामलाल। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, जबकि दूसरी चीजें, यहाँ तक कि आप भूखे भी होंगे तो खाना नहीं मांग पाओगे शर्म के मारे, है कहा सुन ऊपर पड़े में खाना ना खाओ उस पर, मतलब ये एक अजीब सी बटकना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नशे की तरफ युवाओं को नहीं जाना है, इस बात पर आप चिंतन करें, प्रण लें। अगर आप प्रण ले लेंगे, जैसे कहा ना आप बदलेंगे तो युग बदलेगा, युग है क्या, समाज है क्या, हमसे ही तो है। अरे हम है तो इसकी कोई गिनती है? मोहल्ला, पड़ोस, समाज, गांव, कस्बा, शहर है क्या? ये सिर्फ स्थान है, अगर मानव नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो ये हमसे ही है। तो आप सब लोगों ने मिलकर प्रण करना, ये तो पहला एक मूल मंत्र है जो युवा पीढ़ी के तरक्की में बहुत बड़ा बाधक है, बहुत बड़ा बाधक है। ये भी आपको सोचित करना, इस पर पूरा फोकस करना है। मैं सर इसमें दोबारा आके आपसे बात करेंगे, मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, मेरा कोई विशेष लेक्चर नहीं है। और ईमानदारी की बात यह है, इसमें एक बड़ा भारी एक चीज़ आती है, आदमी ये बात कह वो ही सकता है जिस पर ये बात लागू होती है, मुझ पर लागू होती है। इसमें एक बार एक सत्संग में कोई बता रहे थे महात्मा, वो कह रहे थे, एक महात्मा का बड़ा जिक्र था, गांव वाले बहुत मानते थे। अम्मा कह लगी, महाराज जी मेरा थोड़ा जो है ना बीड़ी पी हुआ है, बातें आप मना कर दोगे तो मान जाएगा, आपकी बात सब माने। तो माने के ठीक है भाई, माने के तो ऐसे करिए तो छोड़ा अपने 10 दिन पास ही। अम्मा ही परेशान थी, महाराज का वो एक इधर सी बात कहे, मैं तो एक मिनट लगे 10 दिन पीछे तो बुला रहा हूँ। नहीं नहीं महाराज, आप अभी कह दो छोरा लाई हूँ, नहीं नहीं माई 10 दिन बाद यही 10 दिन बाद माई पहुंची। हाँ मैडम, डाला लल्लू बेटा बीड़ी अच्छी बात नहीं होती, छोड़ दे। महाराज जी कहते ठीक है, महाराज जी को तो छोड़ दे। अब माई के मेरी खलबली की, ये 10 दिन पहले भी तो कह सको, 10 दिन और खाम खाम पे पा दें, मेरे 100 रुपया और करवा दिए, छोरा 10 दिन और बीड़ी पी। महाराज जी बड़े अदब से कह लेंगे, मैं बता दो गुरु जी आपने ऐसा क्यों कहा, देख माई जाट तेरे मुझे बात कही ना, तो छोरा से कह दो कि बीड़ी छोड़ दे, बाटन मैं खुद बीड़ी पी, पहले मैंने छोड़ी है, फिर मैंने बातें कही है, तो जो मुझ पर लागू नहीं होता मैं आपको सीख नहीं दे सकता। मैं गोपाल बढ़िया छाती ठोके कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कोई नशा नहीं किया है, पान भी नहीं खाया है, मुझे पान में भी नशा लगता है, नशे वाली बात देता हूँ। कोई विकार, कम से कम मैं अपने अपने शरीर के शोषण का जिम्मेदार नहीं, इसके बावजूद भी मेरे अंदर कोई परमात्मा कोई विकार डाले तो मेरी गलती नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये आपको पढ़ लेना है, माँ साहब आपको फिर बताएंगे बारे में, ये एक बात हो गई। दूसरी हम चर्चा करते हैं, एक दूसरी चर्चा हम करते हैं जिसमें हम आती है बाल विवाह की बात, ये जागरूकता का सवाल है। एक इतिहास की बात बता दूँ मैं दिनेश, एक इतिहास की बात बता रहा हूँ मैं आपको, काम आएगी कि बाल विवाह प्रथा शुरू क्यों हुई। आप कभी आकलन करो क्यों बच्चों का विवाह करना शुरू हुआ, इसके पीछे इतिहास है। नादिर शाही, आदिल शाही और ये जो बाहर के जो मुसलमान मुगल जो कालगार जो आते थे ना, जो राजा अटैक करते थे हमारे देश पर और छोटे छोटे व्यक्तियों को अपने बल पे उनको कब्जा कर लेते थे, तो उनके उसमें ये था कि उनकी जो सेनाएं वगैरह गांव देहात में आगे ठहरती थी और कब्जा कर लेते थे, वो बहन बेटियों को ठहरते थे, लड़कियों को ठहरते थे। उनके धर्म में कहीं मुसलमानों में, उनके धर्म मुसलमानों में कहीं ये बात थी कि शादीशुदा महिला के साथ में कोई भी गलत काम करोगे तो आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा, लेकिन पाक साथ कुंवारी लड़कियों का आप करोगे तो आप उन्हें उठा के ला सकते हो और उसे हल्का सा निकाह पर आप जो मर्जी कर लो। तो ऐसे इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि भाई इनके धर्म के हिसाब से ये शादीशुदा उसको नहीं करते, तो उन्होंने बच्चों के विवाह करना शुरू करवा दिया, बाल विवाह शुरू करवा दिया। इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों ये प्रथा शुरू हुई, इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन ये वर्षों पुरानी चीजें हैं, ये 100, 200, 300 साल पुरानी चीजें हैं, आज ऐसे हालात नहीं हैं, तो फिर आज हम क्यों जाने,
क्या कर रहे हैं हम, जो बच्चे के पढ़ने की उम्र है 10 साल की बच्ची 12 साल की बच्ची क्या समझती है, वो कुछ भी फॉर्मेलिटी पूरी करेगी, फेर डाल के अगर किसी नए घर में जाएगी, माँ अगर डोगरी खड़ूस मिल गई, सास को तो बातें कहेगी है नीतू बैठ यहाँ बैठ। अब जिसके खेलने खाने के दिन है वो बच्ची, वो जहाँ की उसे क्या पता आदम क्या होता है, उसे पता क्या है सास होती क्या है, उसे पता क्या है दूसरे घर में कैसे रहना है, अपने घर में कैसे जरूरी है, ये सारी बातें समझने की। तो बाल विवाह आज की तारीख में कानूनी तौर पे भी जुर्म है और ये गुनाह है और इस पर प्रावधान है सरकार में, दंडनीय अपराध है। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, आप नौजवान बैठे हैं हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता है, छोड़ा थोड़ा पट्ठा तो दिखो, कचू कर रहो बना करो, डोगरा के दम पे ही है, लुआ लोटी मिल जाए, खेल कूद के आ जाए, भवंडी मार के आ जाए और पट्ठा सो है जाए तो डोगरा चिंता है जाए, शादी करे छोड़ा नहीं पट्ठा सो है हुआ और छोड़ो वो खुलखुली से आ जाए, आजी बड़ी आ जाएगी, मौत मस्ती आ जाएगी, आराम से खाने करते, ठीक है। बेरोजगार जब तक आप हैं ये भी आप प्रण करो, अगर आपके माँ बाप भी आपको जिद करें, कोई दादा आपको नाना मरे बारो हो भूल करो मैं तो छोरा की नाती की शादी और देख जाऊँ फिर मर जाऊँ, तो तू तो मर जाएगा डोगरा नहीं भोग मार रहा दीदी। बेरोजगार की शादी भी, बेटा समझ लो बात को, तुम्हारे मतलब की बात है, तुम्हें कितने शादी शुदा हाथ उठाना, शादी शुदा कितने तुम्हें से, शादी किस किसकी हो गई है, नहीं आपकी नहीं, लड़कों की बात कर रहा हूँ, कोई नौजवान है जिस शादी हो गई उसकी, जो हो गई सो हो गई, ठीक है। जो कह रहा है यार भीड़ में 3-4 ही लोग हैं, अरे सुनो सुनो अल्लाह मत करो, लेकिन बात समझने की कोशिश करो, बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बात समझने की यह है कि बाल विवाह कानूनी जुर्म है, अपराध है, दंडनीय अपराध है, लेकिन बेरोजगार विवाह भी सामाजिक अपराध है, आप समाज में अपराध करते हैं, आप इस लायक नहीं है कि किसी की बहन बेटी को उसको सुख दे सके, आप इस लायक नहीं है कि घर के अंदर अपनी कोई लाइबिलिटी अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी कर सके, अपने माँ बाप के दम पे वो गरीब से और गरीब हो जाता है, जिसके पास कल तक 10 बीघा खेत था उसकी शादी करके 2 भाई शादी कर लेंगे, 2 अलग हो जाएंगे, 5-5 रह जाएगी, फिर वो 2.5-2.5 रह जाएगी। जब आप स्वावलंबन नहीं है, स्वावलंबित नहीं है, जब आप रोजगार नहीं है, तो आपको नहीं हक बनता है कि आप उस बंदर में बने जिसे आप निभाने की हैसियत में नहीं है, अपने बाप के दम पर कब तक करोगे, कल तुम्हारी धर्मपत्नी आ जाती है उसकी कोई इच्छा करती है अच्छा खाने की, कहीं बाहर जाने की, कहीं अच्छा पहनने की, क्या करोगे, कौन दिमागोगे अगर पैसा नहीं कमाओगे तो। ये भी गांठ बांध लो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ लोगों से, अगर सुखी विवाहिक जीवन जीना है, अगर जीवन अच्छे से जीना है, किसी की बहन, क्योंकि बहन बेटी सबकी है ना, हमारी भी तो बहन बेटी कहीं जाती है, तुम्हारी बहन भी तो किसी घर में जाएगी, वो दुखी होगी तो, तुम किसी की लाओगे वो दुखी होगी तो क्या होगा, इस बात को समझ लो, ये समझने की चीज है। अगर माँ बाप जोर भी दे तो हाथ जोड़ दो, समझा दो कि पहले 4 पैसे कमा लो, मैं कम से कम तुम्हें ना दे सकूं रोजी रोटी, लेकिन कम से कम अपने भैया को तो ठीक से वो कर लो, ये भी ये कर लो। तो बाल विवाह कानूनी अपराध है, ये सामाजिक अपराध है, इसको भी ध्यान में रखना, ये मैं भी आपको एक सीख दे रहा हूँ। बाकी तो नशा वाली बात आ गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सरकारी स्लोगन है, आप लोगों के हाथ में नहीं है, जब आपकी बेटी आए जरूर पढ़ाना, लेकिन अगर बहन बेटी को घर में आपकी बहन है छोटी बड़ी हुई है, अगर वो पढ़ने की इच्छा रखती है तो उसको कभी रुकावट मत बनना, उसे पढ़ने देना, बेटियों का भी स्वावलंबित होना बहुत जरूरी है, उनका भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और पढ़ाई से बढ़िया कोई हथियार नहीं होता, कम से कम जानकारी का अभाव नहीं होता, अगर उस पर कोई आफत आएगी, कोई अतिक्रमण होगा, उसके चरित्र पर कोई बात आएगी या उसे कोई टॉर्चर करेगा, तो पढ़ी लिखी होगी समझदार होगी तो अपना बचाव कर ले, कोई जरूरी नहीं है घर पढ़े रहे नौकरी मिले, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी समझदार हो सकता है, वो जो काम करेगा कम से कम उस काम में, वो जो काम करेगा कम से कम उसमें उस काम को उस जानकारी काम आएगी, वो जो उसने पढ़ा है लिखा है वो जानकारी काम आएगी, जब वो कुछ सुनेगा समझेगा तो उसे फॉलो कर सकता है, राम राम। इस बात को आपने समझना है, ये भी एक कुप्रथा है, बहुत बड़ी कुप्रथा है, गरीब आदमी का जीते जी शायद वो अपने माँ बाप को अपने पिता को अपने माँ को उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना वो नहीं खिला पाता है, लेकिन मृत्यु के बाद सामाजिक दबाव में अपने ईगो के चक्कर में अरे बाने करो मैं करूँगा बाने, 2 पंचायत बुलाई मैं 4 पंचायत बुलाऊंगा, वो ट्रॉली भर भर के आ रही है खा पे क्या, क्या होता है एक बार खाने से, क्यों हम खाने जा रहे हैं, क्यों हम किसी को बर्डन डाल रहे हैं, खाने वाला एक आदमी खा के जाएगा लेकिन हजारों खा जाएंगे तो जो खिला रहा है उसका बड़े दर्द हो जाएगा, क्यों डाल रहे हैं इस बर्डन को, उसी काम को कहीं और लगाओ, उसी काम को कहीं और अच्छी जगह पर उसको करो, अपने अपने उत्थान में करो, या किसी का भला करना है तो ऐसा करो जो कम से कम 6 महीना आपका गुणगान तो करे, 1,00,000 रुपया का रोटी आपने खिला दी एक टाइम खा के चला गया आदमी क्या फायदा होगा,
वही लाख रुपए किसी जरूरतमंद आदमी के मदद आप कर देंगे, किसी का घर बनवा देंगे, किसी के सामाजिक जीवन में काम आ जाएंगे, किसी की शिक्षा में काम आ जाएंगे। कई बच्चे इतने अच्छे हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, उनके पास फीस नहीं होती भरने के लिए, अगर उनकी फीस दे दी जाएगी तो उनका जीवन आगे बढ़ेगा। तो ऐसा हम काम सोच सकते हैं। ये चार पांच पॉइंट हैं आपको नशा मुक्ति, बिल्कुल आपके नौजवान अगर सोच लेंगे तो ये नशा आप भी सोचोगे तो खत्म होगा, सरकार इसे बंद भी कर देगी तो खत्म नहीं होगा, घर घर बन जाता है ये। भट्टिया चलती है, नंबर दो का मिलता है और पी के मर जाते हैं। कई बार आते हैं कि झड़ी शराब पी के 6 मर गए, 50 मर गए, फिर इंक्वायरियां होती हैं, रिपोर्टें आती हैं, प्रशासन हल्ला घरवाली मचती है, नेताओं पर जवाबदेही हो जाती है, अधिकारी सस्पेंड होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, और लोग मर जाते हैं, और जैसा घर का क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको जागरूक चीज़ें हैं, इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ दिनेश कहा ठाकुर साहब का कि मुझे मौका देते हैं आप लोग यहाँ आने का। मैं मिलता रहता हूँ नेहरू का केंद्रीय कार्यक्रम में, लगभग मैं आना लगा रहता है। जब हम सरकार के साथ जो समन्वय है उसे बना के रखें, नौजवान आगे चल के अपनी जिम्मेदारी अपनी भागीदारी का निर्वहन करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप यहाँ से 3 दिन के प्रशिक्षण में कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, और जो भी आपके विचार हैं आप आदान प्रदान करें। जो यहाँ वक्ता आते जाएंगे कोई ना कोई अपने सब्जेक्ट पर बात करता जाएगा, मैंने 2-4 सब्जेक्ट पर आपके सबसे ही बात करी है, हम तो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको सीख दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी का कोई अच्छा अधिकारी होगा, कोई अच्छा नेता होगा, कोई अच्छा टेक्नोक्रेट होगा, लेकिन उसके लिए आपको बेहतर करना पड़ेगा। आपने आधारशिला बनाई है, नशे से दूर रही है, पूरी तरह से दूर रही है, और भैया बाल विवाह तो अगर करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, उसमें तो सरपंच बेटा ध्यान रखना, अगर कोई हो भी रहा हो तो जाकर समझाना, और भैया नहीं माने तो वकील साहब बैठे हुए हैं उसे रुकवाना, कोई दिक्कत नहीं। बुरे भी बनते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे एक बुरे बनने से हमारा कोई हमारे से खिलाफ होता है, लेकिन अगर हम किसी बच्ची का भविष्य बता सकते हैं या उसको शोषण बता सकते हैं, शोषण है बहुत बड़ा शोषण है। कुलदेवी की कहानी अगर आपने सुनी हो तो उसकी फिल्म बन चुकी है, उसका बाल विवाह हुआ था और वो आया कहा तो उसने बाद में फिल्म में भी कहा और लड़की में कहा उसने कि उसका पति मात्र 11-12 साल की उम्र में उसका बलात्कार करता था और वो चिल्लाती थी और उसकी सास बाहर बड़े खुश होती थी, आज तो मेरी बहू के साथ मेरा बेटा, मतलब कैसी मानसिकता थी वो, हम क्यों करें आज 21वीं सदी में कंप्यूटर के एज में आज घर में बच्चा इसीलिए को डोल रहा है, इसमें बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, तो ये बाल विवाह कहाँ से आ रहा है। और भैया बेरोजगार विवाह डाउट था, मैंने कह दिए बेरोजगार विवाह भी सामाजिक अपराध है, वो भी आप नहीं करेंगे जब तक आप अपनी जेब में कोई डालेंगे वो आपको पोजिशन में नहीं है, जब तक आपकी पत्नी को आप अच्छा सुख देने की पोजिशन में नहीं है, जब तक आप अपने परिवार पर अपने माँ बाप पर डायबिटी रहते हैं तब तक आप शादी के बाद मत सोचो, अपना पहले फ्यूचर बनाओ, जिंदगी बहुत बढ़िया है, एंजॉय आराम से करो। कितने लोग हैं, मोदी जी कैसे बढ़िया देश चला रहे हैं, योगी जी कैसे यूपी चला रहे हैं, सलमान कितनी फिल्में चला रहे हैं, कहाँ उखाड़ लोगे यार शादी करके भी, क्या बना लोगे सिवाय लाभ के, कौन सा देश में ऐसा बंद कर जो तुम्हें जल्दी पड़ी है। अरे यार ऐसे वैवाहिक जीवन अपनी एक हमारी परंपरा है, लेकिन इसे तब करो जब इस लायक हो जाओ। कितने लोग हैं जो नहीं विवाह कर रहे लेकिन इतिहास बनाया, इतिहास है कि नहीं, कितने इतिहास हैं, कितने इतिहास हैं ऐसे जो शादी तो नहीं थे और बहुत बढ़िया बना के गए और आज मिसाल है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि शादीशुदा हमारा जीवन पारंपरिक जीवन व्यवहारिक तौर पे हमें नहीं करना है, करो, लेकिन तब जब इसको निभा सको, जब दो घरों के अंदर अच्छा संबंध पैदा कर सको, पता लगे कल आ जाए तू तो कछु लाई ना है, भैया रहे हर तरह से मिल रहे हो, बाका शोषण भी कर रहे हो, उसका सेक्सुअल हरेसमेंट भी कर रहे हो, उससे दहेज भी मंगवा रहे हो, मोटरसाइकिल ना दे दे बाप ने, अरे काय हो गए भैया तू क्या कर रहे हो, जब किसी की बहन बेटी ला रहे तो खुद बनो ना, ये मानसिकता गलत है, ये दहेज की मानसिकता गलत है, इसको भी विरोध करो। अपने माँ बाप से कहो भैया तुम किसे लो, तुम्हारी बहन को देना पड़ेगा, बेटी को देना पड़ेगा, परंपरा शुरू करो कहीं ना कहीं से। क्यों एक्सपेक्ट करते हैं मोटरसाइकिल गाड़ी, हम जब हम इस लायक हो गए तो अपना कर लेंगे। कोई स्वेच्छा से आपकी मदद कर सकता है करे, लेकिन दबाव नहीं बनाना है, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए दान दहेज। जो आपने बेटी वाला अपनी हैसियत से हमेशा आओ भगत करने में वो करने में कमी नहीं छोड़ता, सदियों से ये परंपरा, लेकिन दबाव नहीं देना। तो ये भी आप देख लो कि आप लोग ये भी प्रण करो कि अगर ब्याह शादी जब करोगे, एक तो रोजगार होके जब करोगे, एक कोशिश करो कि अपनी शादी को बिना दहेज के करो, दबाव बना के बनाए बिना करो। ये मेरा आपसे कहना है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद, धन्यवाद।